हेलो क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्लास 12, चैप्टर कंपनी अकाउंट एंड द पार्ट इज़ द डिबेंचर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डिबेंचर्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिबेंचर। डिबेंचर इज़ अ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर इंक्लूड द डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ कंपनी और नॉट। डिबेंचर्स क्या है? ये एक तरह से बॉन्ड है, और ये बॉन्ड किस उसे क्योंकि इसमें कॉमन सील ऑफ द कंपनीज है। Secured by the charge of the company's property undertaking bearing a fixed rate of interest and being either repayable within a specified period on the specified date, irredeemable during the existence of the company. हम लोग कॉमन इसमें जान सकते हैं डिबेंचर क्या है। वो एक बॉन्ड है, एक तरह का लोन है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को। अब पब्लिक के थ्रू वो एक लोन लेती है, और इस पर जो एक फिक्स परसेंटेज पर फिक्स रेट पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, और एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। इसीलिए डिबेंचर्स क्या होता है, ये एक एक तरह से क्रेडिटर होते हैं कंपनी के लिए, और ये लॉन्ग टर्म में होते हैं। तो कुछ फिक्स बात है कि इसमें कुछ एकदम जनरल फीचर्स इसके कि फिक्स रेट पर इस पर इंटरेस्ट मिलता है, और इसकी एक फिक्स डेट होती है कि 5 साल 10 साल। तीसरी चीज़ कि थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, फिक्स रेट, फिक्स डेट, एंड ये लॉन्ग टर्म होता है। ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी के लिए, और इसका रेट जो होता है हर साल कंपनी हैव टू पे दिस फिक्स रेट टू द डिबेंचर होल्डर। जो भी पर्सन इसको होल्ड करता है उसको बोला जाता है डिबेंचर होल्डर्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है? दिस डिबेंचर डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर, द डिबेंचर आर इशूड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट, एंड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड द इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ द डिबेंचर। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है? इस पर फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं फिक्स किया जाता, और कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को एक तरह से कंपनसेट करने के लिए डिबेंचर इशू किया जाता है बहुत ही हैवीली डिस्काउंट पर। और इसका जो डिफरेंस होता है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, जो इसकी रियल वैल्यूज थी और जो डिस्काउंट के बाद जो हो गया इशू प्राइस, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही एक तरह से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। उसी रेट पर इन लोगों, इसमें मेन चीज़ क्या है कि इस पर फिक्स स्पेसिफिक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, और दूसरे दोनों का डिफरेंसेस के बेस पर जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेट करता है। तो इस तरह जीरो कूपन बॉन्ड इसको कहा गया है। काइंड ऑफ द डिबेंचर, आप लोग क्लास 11th में ये सारे काइंड्स पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसको रिपीट करती हूँ। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? द डिबेंचर्स विच आर एंटर इन द बुक ऑफ द कंपनी आर पेबल टू द रजिस्टर होल्डर आर कॉल। वो सारे डिबेंचर्स जो कि कंपनी जो इंटर है कंपनी के बुक में, जो पेबल है रजिस्टर होल्डर्स को, उसी को रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहा गया। इंटरेस्ट इज आल्सो पेबल टू द रजिस्टर होल्डर, और जो रजिस्टर होल्डर हैं उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है, और ये लोग जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। डिबेंचर रजिस्टर होल्डर कैन नॉट ट्रांसफ़र द डिबेंचर विदाउट अडॉप्टिंग द प्रोसीजर विच इज लेड डाउन द लॉ। जो लॉ में जो एसोसिएशन लॉ ऑफ एसोसिएशन बना है, उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उस प्रोसीजर्स के उस लॉ के लिमिट के अंदर ये लोग अपने डिबेंचर होल्डर रजिस्टर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं? तो बियरर डिबेंचर्स हैं द डिबेंचर विच आर पेबल टू बियरर देयर ऑफ इज कॉल्ड अ बियरर डिबेंचर। इसमें क्या है कि जो बियरर को पेबल होगा वो बियरर डिबेंचर्स होंगे। इसमें द इंटरेस्ट इज पेड टू इट्स होल्डर,
और इंटरेस्ट जो है इसमें अपने होल्डर्स को पेड किए जा सकते हैं, और इसमें कोई भी ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। मतलब कि कोई भी डिबेंचर होल्डर या बियरर डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो अपने डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड को ये कह सकते हैं कि जिसमें कंपनी जो है एक चार्ज करने के लिए लायबल होती है उनके इंटरेस्ट को, तो वो सिक्योर्ड, उस डिबेंचर को सिक्योर्ड माना गया है, या मॉर्टगेज डिबेंचर्स। अनसिक्योर होता है जिसमें कंपनी जो है कोई भी ऐसे प्रॉमिस नहीं करती है कि उन लोगों को इंटरेस्ट जो है उनका प्रिंसिपल कोई सिक्योरिटी नहीं लेती है रिटर्न करने का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के। द डिबेंचर फॉर हुज पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट नो सिक्योरिटीज गिवन आर नोन एज सिंपल नेक्ड अनसिक्योर डिबेंचर। जिसमें कोई भी सिक्योरिटीज़ नहीं होती पेमेंट की, प्रिंसिपल की या उसके इंटरेस्ट की, इसीलिए इसको बोला गया अनसिक्योर डिबेंचर। रिडेम्पशन डिबेंचर्स क्या होता है कि जब भी डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसका एक फिक्स रेट होता है और फिक्स टाइम होता है, जिस टाइम तक ये कहा गया 5 साल के बाद इसको रिडीम कर लिया जाएगा। रिडीम का मीनिंग होती है कि पे बैक कर लिया जाएगा। हो सकता हो कि हमने डिबेंचर्स जो परचेज़ किए हैं उस टाइम में 6% के रेट से था, ये 10 रुपये के रेट से था, तो जब कंपनी हमसे पे बैक करेगी तो हो सकता हो कि उस टाइम डिबेंचर की जो प्राइस हो वो 12 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। 12 होगी तो कंपनी अपने ही रेट पर लेगी 10% का, वो पूरा एक एग्रीमेंट पर जो एक सर्टिफिकेट होता है डिबेंचर्स में सारी चीज़ मेंशन होती है। अगर वो 12 लेगी, डिबेंचर का रियल प्राइस 12 है मगर वो 10 रुपये के रेट से ले रही है, तो इसमें कंपनी का प्रॉफिट होगा। और अगर 8 रुपये का रेट प्रेजेंट टाइम पर है आफ्टर 5 ईयर्स, तो उसके बाद जो है हो सकता हो 8 रुपये हो, तो फिर कंपनी जो है 8 रुपये के रेट पर ले लेगी, इसमें कंपनी को लॉस होगा और डिबेंचर होल्डर को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपये के रेट से पे बैक कर रही। इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या है? वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें द डिबेंचर्स विच आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इशूड देम आर नोन एज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। जिसमें कोई भी ऐसा रिपेबल नहीं है लाइफ टाइम के कंपनीज के थ्रू, तो वो इररिडीमेबल्स होगा। और दूसरी चीज़ को परपेचुअल डिबेंचर्स के भी नाम से जानते हैं। दे आर रिपेबल ओनली व्हेन द कंपनीज गोस इनटू द लिक्विडेशंस। तो अब यहाँ पे कई सारे चीज़ जो है, अब हम लोग इससे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब डिबेंचर इशू हो और एट पार पर हो, when the debenture are issued at their fair values and nominal values they are said to be issued at par। जब उसके fair या nominal values पर debenture को issue किया जाता है तो वो at par होते हैं। और दूसरी चीज़, इसको record कैसे करना है, इसको balance sheet में कैसे वो करना है, तो balance sheet में equity and liability जो head है उसके सब हेड non current liabilities के अंदर में इसको balance sheet में record किया जाएगा। इसी तरह premium, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, तो प्रीमियम एक तरह से प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए। और जैसे एक शेयर डिबेंचर इशू करना है 10 रुपये में और उसको इशू किया गया 12 रुपये में, तो 2 रुपये एक तरह से प्रीमियम हुआ। और उसके लिए कौन सी अकाउंट्स ओपन होते हैं? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या? बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका सब पॉइंट है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, या आप लोगों से क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ को माइंड में रखना ज़रूरी है। डिस्काउंट, अगर डिबेंचर्स जो है डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, तो डिस्काउंट तो एक तरह से ये लॉस हुआ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए। इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड हेडिंग के सब हेडिंग इसको हम लेस करेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से, माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि दिस इज़ अ लॉस फॉर द कंपनीज। कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन डिबेंचर्स। कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन डिबेंचर्स क्या होता है? कि जो चीज़ एडवांस में हो और जो चीज़ एरियर्स, कॉल इन एरियर्स क्या है? जो चीज़ जो है पेबिल ना हुआ, उसकी कोई कॉल ना पेबिल हुई हो,
या उसके कोई अलॉटमेंट ना पेबिल हुआ हो डिवेंचर होल्डर्स की, तो एक कॉल इन एडवांस जो होता है वो करंट लाइबिलिटीज आता है, और कॉल इन एरियर्स जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगा, और उसको मतलब करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग में रहेगा बैलेंस शीट के, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग में रहेगा, इसलिए डिबेंचर से उसको लेस कर देंगे कॉल इन एरियर्स। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द साहित्य भवन पब्लिकेशन। सुधीर लिमिटेड इशूज 3000 एंड द रेट 3008% डिबेंचर्स एट 15% प्रीमियम ऑन विच 10 rupees वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड द रेस्ट विथ प्रीमियम ऑन अलॉटेड 500 वॉज स्पेंड ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर ऑल द अमाउंट आर ड्यूली पेड एट द राइट टाइम पास नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट इन द बुक ऑफ सुधीर लिमिटेड। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि कितना अमाउंट है टोटल जो है डिबेंचर्स के टोटल अमाउंट्स कितने हैं, जैसे 15% तो प्रीमियम है तो 100 rupees है, तो 100 rupees जो है यहाँ पे मिस है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, 3000 वी नो डैट द 3000 इज अ डिबेंचर्स नंबर ऑफ द डिबेंचर्स, तो ये हम लोग जो पुरानी एंट्रीज होती है उसी हिसाब से हम लोग करते चले जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 88% डिबेंचर अप्लीकेशन अमाउंट, तो 3000 जो है वो नंबर ऑफ़ द डिबेंचर्स है और अप्लीकेशन अमाउंट कितना है 10 rupees, तो 30000 हो जाएगा, तो इसके ये रिसीव हुआ है। फिर यहाँ पे जो है डिबेंचर अप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, तो सेम यही चीज़ है यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर्स अकाउंट। थर्ड क्या है बैंक, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ द डिबेंचर्स जो है वो 3000 है और अमाउंट कितना है पर डिबेंचर का 100 rupees, जिसमें से जो है 10 rupees एप्लीकेशन में और 90 rupees क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ था, 90 rupees जो अलॉटमेंट का होगा और 15% प्रीमियम है, इट मीन्स दैट 15 rupees क्या है वो प्रीमियम अमाउंट होगा। अब यहाँ पर जो है अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू रिजर्व प्रीमियम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिटेड, तो यहाँ पर पहले डिबेंचर्स अलॉटमेंट से हमको कितना मिलेगा 3000 नंबर ऑफ द शेयर है एंड द अलॉटमेंट मनी कितनी है 90 rupees, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 270000 हो गया और 15 rupees जो है वो प्रीमियम अमाउंट है, तो 3000 मल्टीप्लाई 15 45000 दोनों का ऐड कर देंगे तो उतना ही हमारा अलॉटमेंट मनी हमको रिसीव हुआ, कितना है 3,15,000। अब यही चीज़ क्या हो जाएगा इसका नरेशन क्या होगा, ये यहाँ पे बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, फिर है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अमाउंट जो वही होगा जिसमें अलॉटमेंट मनी रिसीव किया गया। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया था 500 rupees एक्सपेंसेस हुए किसके डिबेंचर के इशू करने पर, तो ये एक तरह से क्या है एक्सपेंसेस है, इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे 500 लिख देंगे और फिर ये एक्सपेंसेस जो हुए हैं इशू का डिबेंचर के इशू का उसको हम लोग किससे लेंगे बिंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 500 है और इसका नरेशन क्या होगा बिंग राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम प्रीमियम, जो भी एक्सपेंसेस हुए इशू करने डिबेंचर को इशू करने पे तो उसको एक्सपेंसेस कहाँ से निकाले जाएंगे जो प्रीमियम मिला है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3 ना, तो क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th एंड दिस क्वेश्चन आल्सो टेकन फ्रॉम द साहित्य भवन पब्लिकेशन। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, ऑल ओवर इसका समरी बता रहे हैं, इसमें जो है एथराइज एक लिमिटेड कंपनी है जिसका एथराइज कैपिटल कितना है 1,00,000 rupees शेयर से, अब 5 rupees ईच हर एक शेयर्स का है,
15,000 शेयर वर इशू टू पब्लिक ऑन विच द अमाउंट वॉज पेबल ₹1 ऑन अप्लीकेशन ₹2 एंड विद 50 पैसा ऑफ प्रीमियम आल्सो इंक्लूडेड ऑन द अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन कॉल. द कंपनी आल्सो इशूड 500 मॉर्टगेज डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इज ऑन देम. द 5% डिबेंचर ऑन अप्लीकेशन 95 पर डिबेंचर्स ऑन वॉज पेबल ऑन अलॉटमेंट. 14,000 शेयर्स एंड ऑल द डिबेंचर्स वॉज परचेज एंड मनी वॉज ड्यूली पेड पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी. तो यहाँ पर पहले ये बताया गया है कि एक लिमिटेड कंपनी है जिसके ऑथराइज कैपिटल कितना है, 1,00,000 रुपीज़ है, और हर एक 1,00,000 शेयर्स है जिसका पर शेयर रुपीज़ क्या है, 5 रुपीज़. उसमें से 15,000 शेयर्स जो है वो पब्लिकली इशू किए गए हैं. उसकी एप्लीकेशन मनी कितनी है, उसकी एप्लीकेशन मनी जो है 1 रुपीज़ है, और अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज़ है, 5 पैसे है एज अ प्रीमियम. जो लेफ्ट बचेगा तो वो होगा कॉल में, मतलब कि 5 रुपये में 3 तो ये हो गए हैं, 50 रुपये प्रीमियम, 3.5 रुपये हो गए, तो कितना बचेगा, 2.5 रुपये उसके कॉल पर लगेगा. और डिबेंचर्स में जो है 500 डिबेंचर्स, नंबर ऑफ द डिबेंचर्स कितने हैं, 500, और हर एक डिबेंचर्स का रेट क्या है, 100 रुपये, और 5 रुपये इसमें अप्लीकेशन पे अप्लीकेशन अमाउंट है, और 95 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट अमाउंट है. मगर लास्ट में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 14,000 शेयर्स एंड ऑल द डिबेंचर्स वर परचेज एंड मनी वॉज ड्यूली पेड. जो 14,000 है उसी को ही परचेज किया गया, 14,000 शेयर्स और 500 डिबेंचर्स जो कि परचेज किए गए और उन्हीं के अमाउंट को पेड किया गया है. तो अब यहाँ पे हम लोग किसका नंबर ऑफ द शेयर्स क्या होंगे, 14,000, क्योंकि इसी का ही मनी और इसी की मनी पेड हुई है, और नंबर ऑफ द डिबेंचर्स 500. तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट और टू मॉर्टगेज डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट. तो यहाँ पे दोनों चीज़ है तो इसलिए हम लोग दोनों को लेकर के चलेंगे, दोनों हमारा क्रेडिटेड होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड होगा. 14 तो यहाँ पर जो है 14,000 शेयर्स का अमाउंट, नंबर ऑफ द शेयर्स है, और अप्लीकेशन मनी 1 रुपीज़ है जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है. तो 14,000 रुपीज़ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, फिर उसके बाद डिप्रेशिएशन अमाउंट कितना है, 500 मल्टीप्लाई बाई 5,2500, तो टोटल है 16,500. आफ्टर द सेकेंड एंट्री इज शेयर अप्लीकेशन अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हम लोग जानते हैं कि शेयर अमाउंट, शेयर अप्लीकेशन किस में ट्रांसफ़र होता है, शेयर कैपिटल में, जो कि नंबर ऑफ द शेयर्स कैपिटल शेयर अप्लीकेशन इज 14,000, देन इट इज़ ट्रांसफ़र शेयर अप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अमाउंट, डैट इज़ अ 14,000. एंड द सेकेंड एंट्रीज डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स 2500, बिकॉज 2500 इज नंबर ऑफ द डिबेंचर्स एंड द 5 रुपीज़ इज अप्लीकेशन अमाउंट, तो डैट इज़ अ 25, एंड 25 डैट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द डिप्रिशिएशन मॉर्टगेज डिप्रिशिएशन अकाउंट. अब यहाँ पे हम लोग शेयर अलॉटमेंट हो गया, इसकी फर्स्ट एंट्री अप्लीकेशन की कंप्लीट हो गई. आफ्टर देन वी विल स्टार्ट शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट एंड द शेयर अलॉट, नंबर ऑफ द शेयर 14,000 एंड शेयर अलॉटमेंट क्या है, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में हम लोग अलॉटमेंट से हमको कितना मिला है, 1.5 रुपीज़, क्योंकि 5 रुपये इसमें प्रीमियम का है, तो 21,000. और प्रीमियम अगर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा 14,000. यहाँ पे हम लोग से एक मिस्टेक हो गया है, जो कि यहाँ पे 14,000 होना चाहिए ना कि 7,000. 14,000 मल्टीप्लाई बाई 14,000, यहाँ पे 14,000 होगा, 14,000 मल्टीप्लाई बाई 0.50
देन वी विल गेट्स द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 7,000. आफ्टर दैट तो इन दोनों का एडअप क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट मनी. अब इसी तरह से डिबेंचर्स का क्या होगा, डिबेंचर्स 500 है और नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी 95. तो वी मल्टीप्लाई इट एंड देन वी विल गेट 75,500. तो ये अमाउंट है हमारा डिबेंचर्स का अलॉटमेंट मनी. अब ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा. Being receipt of allotment amount. तो ये एक receipt है जो कि हमारे bank में transfer हो गई. Then the share call amount. Call जो है सिर्फ shares में है और जो कि amount of the per share is 2.5 rupees. 2.5 number of the share is 14,000 to 35,000. तो share call account debited to share capital account. तो being share call due. And the last being call amount received the bank account debited to share call account. That is a 35,000. I hope you can understand all the point. Then another topic is debenture as a collateral securities. Debenture as a collateral securities. जिसे इसको हम समझा सकते, आप समझ सकते हैं, एक कंपनी है. कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है. किसको, डिबेंचर होल्डर्स को. तो अब कंपनी को क्या पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट देना है. और डिबेंचर क्या करेगी, कंपनी को ऐसा लोन अमाउंट प्रोवाइड करेगी. मगर इसमें बैंक का रोल होता है. अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया, ये सारे ट्रांजेक्शन किसके बीच में होते हैं, बैंक इसमें इन्वॉल्व होती है. तो कंपनी ने अगर कोई भी डिफॉल्ट किया तो बैंक क्या करेगी कि अपने अपने लॉस को बचाने के लिए वो क्या रख लेगी, डिबेंचर्स जो है डिबेंचर होल्डर का अपने पास रख लेगी. और फिर अपने अपने लॉसेस को फुलफिल करने के लिए वो इसी डिबेंचर्स को क्या करेगी, सेल कर देगी, या सेल करने के बाद अपना अमाउंट रिलीज कर लेगी. तो इसी तरह इस प्रोसेस को ही कहा गया है डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटीज़. अब यहाँ पर क्या इसका अकाउंट, इसका हम रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट. ये कब, किस केस में होगा, जब कंपनी जो है इसने डिफॉल्ट किया. अगर डेब्ट इज पेड ऑफ बाय द कंपनी और कंपनी ने अगर अपना डेब्ट को पेड कर दिया तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिटेड. ये है इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड. इससे भी एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बट यू शुड मोर फोकस ऑन द प्रीमियम डिस्काउंट, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस. इस पर अच्छे से फोकस कर लेंगे तो यू कैन कवर ऑल द टॉपिक ऑफ डिबेंचर्स टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. देन अनदर वीडियो आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी.